रामपुरा तहसील के अंतर्गत आने वाली गांव बेलसा की युवा दुर्गा शंकर मीणा गत एक वर्ष से डुप्लीकेट वोटर आईडी के लिए कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। डुप्लीकेट वोटर आईडी के लिए इन्होंने रामपुरा थाने पर लगभग एक वर्ष पूर्व पर्स गुम होने की प्रथम सूचना देकर स्टेट बैंक रामपुरा में 25 रुपए का चालान जमा करवा कर कागज बेसला पंचायत के बाहर लगभग एक वर्ष पूर्व बीएलओ को दिए थे। बीएलओ की मनमानी व निष्क्रियता के चलते आवेदन नहीं दिया और बीएलओ ये चाहता ही नहीं है कि आवेदक का डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बने। जब आवेदक निर्वाचन शाखा व एसडीएम मनासा पवन बारिया के पास पहुंचा तो वहां से भी केवल आश्वासन ही मिला और एक वर्ष में कई बार अवगत व आवेदन के बाद भी आवेदक को डुप्लीकेट वोटर आईडी नहीं मिलना एन कार्यालय के कामकाज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। पठान क्षेत्र के एक पढ़े लिखे युवा के साथ वोटर आईडी के लिए एक वर्ष से बीएलओ द्वारा मनमानी की जा रही है, जिसकी सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत नंबर 17823644 लगभग दो महीने से चल रही है, जिसमें शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है। सीएम हेल्पलाइन जांचकर्ता अधिकारी ने भी शिकायत के संबंध में बीएलओ से कोई विशेष जांच न करके केवल शिकायत को अगले लेवल पर भेज दिया है और आवेदक को कहीं से भी कोई सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। ग्राम पंचायत बेसला के एक पढ़े लिखे युवा के साथ एक डुप्लीकेट वोटर आईडी के लिए बीएलओ द्वारा मनमानी वहां के आम नागरिकों के कार्य कैसे होते होंगे ये सोचने पर विवश कर रहे हैं। आज आवेदक ने ग्राम पंचायत सचिव को आवेदन देकर उसकी प्राप्ति लेकर समस्या निराकरण के लिए आवेदन दिया है। अगर समस्या का निराकरण व बीएलओ का चार्ज ग्राम पंचायत कर्मियों को छोड़कर अन्य को नहीं दिया जाता है तो इस संबंध में आवेदक कलेक्टर महोदय से अनुमति लेकर बीएलओ की कार्य प्रणाली के खिलाफ धरना कलेक्टर कार्यालय पर देगा।